जय हिंद प्यारे साथियों, ग्रेट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे और मस्त होकर अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिर ए एल पी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम किस मंथ में, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है किस मंथ में कंडक्ट कराएगा रेलवे और आखिर कौन सी एजेंसी कराएगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ विद प्रूफ कि आखिर इस मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। ठीक है, जितना भी है मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक की रेट आपको बता रहा हूँ, इसी अकॉर्डिंग रेलवे जो है आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। तो कैसे, एडमिट कार्ड कहाँ डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड कब तक रिलीज करेगा रेलवे, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली गवर्नमेंट की जॉब और रेलवे से रिलेटेड और भी जो अपडेट आती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हम ऑफिशियल साइट पर इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ देख रहे हो रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ की साइट पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अभी जो भी प्रेजेंटली जो नोटिस है यहाँ पर ही आपको सारी रेलवे का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ये डाउट में कि आखिर सर ALP का किस टाइम यानी किस मंथ में एग्ज़ाम जो है रेलवे कंडक्ट कराएगी। मैं साफ क्लियर भाषा में आप लोगों को बता दूं कि आखिर ALP असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम किस मंथ में कंडक्ट कराने जा रही है रेलवे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम एजेंसी फाइनल हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो एग्जाम आपका जो कराने वाली है वो TCS ही कराने वाली है। कौन सी कंपनी आपको एग्जाम कराएगी रेलवे का? TCS। क्योंकि मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूँ कि आप लोगों का TCS ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि पिछली बार से भी देखा जाए तो रेलवे ने TCS को ही या रेलवे ग्रुप डी हो गया और रेलवे NTPC हो गया एक बहुत बड़ी लेवल पर जो है रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इसके बीच भी आपकी एक खबर आपको मैं बता दूं, अभी ये बहुत सारे डाउट्स में आप लोग थे कि आखिर एग्ज़ाम जब कंडक्ट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो TCS है वो आप लोगों का SSC का, ठीक है, SSC का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जो TCS है वो SSC का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। SSC का डेट भी जो है ऑलरेडी दे दिया गया था, अक्टूबर में जो भी आप लोग का एग्ज़ाम है वो SSC कंडक्ट कराने वाली थी। आपका CHSL हो गया और भी जो CGL के भी एग्ज़ाम लगे थे वो भी जो है CGL जो है SSC जो है कंडक्ट कराने वाली थी। CGL का भी आप लोग का जो भी एग्ज़ाम है वो भी जो SSC जो है कंडक्ट कराने वाली थी। उन सब का जो SSC जो कराती है भी जो एग्ज़ाम है ये TCS कराती है। कौन कराती है? TCS कराती है। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई कि SSC जो है एग्ज़ाम अपना क्या TCS ही जो है कंडक्ट कराती है। इस बीच में अब आप लोग का डाउट होगा जब SSC का एग्ज़ाम इस बीच में होगा तो अक्टूबर और सितंबर का तो जो आप लोग छोड़ ही दीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ SSC की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो SSC की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम डेट ऑफ 9/12/2024। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो एक बड़ा बदलाव हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम जो है SSC ने अपना एग्ज़ाम डेट को चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पहले होना था वो अब बाद में होगा दिसंबर में, यानी 9 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। उसके बाद SSC का जो स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D का एग्ज़ाम होता है वो भी आप लोगों का बढ़ा दिया गया है। वो कब होगा? 10 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में आप लोग का दो डेटें दे रखी हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लियर जो है SSC ने ये जो है डेटें अपने आपकी बढ़ा दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर ALP का जो है जो पीरियड है TCS के लिए वो पीरियड आप लोगों का कब तक खाली हो गया है। यहाँ दोस्तों देख सकते हो मैं SSC की यहाँ पर रेलवे की साइट पर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका नवंबर है ना, नवंबर मंथ ये जो है सेव बच रहा है। इस मंथ में आप लोग का जो ALP का एग्ज़ाम है वो रेलवे कंडक्ट करा सकती है डेफिनेटली। जैसा कि आपको पता है रेलवे की तरफ से भी बहुत सारे जो है
बोला गया है कि जब एग्ज़ाम जो एजेंसी को तो फाइनल किया गया है TCSE की को किया गया है, तो उनसे भी ये चीज़ें बोली गई कि जो एग्ज़ाम है आपका आरपीएफ हो गया ठीक है, और रेलवे का टेक्नीशियन का हो गया फॉर्म, ये टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो गया, तो इन सब का भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराना है इसी साल, यानी इसी साल आप लोगों को कंडक्ट कराना है। तो मे बी पॉसिबिलिटीज जो सबसे ज़्यादा आप लोग का जो नवंबर का TCS के लिए जो खाली पड़ा है इसमें रेलवे का ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो आप लोग का जो ALP का एग्ज़ाम है जल्दी आप लोग को नवंबर में देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर में आप लोग का एडमिट कार्ड इशू होगा और नवंबर में ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे ALP का। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हो कि जो SSC का जो भी शेड्यूल था उसने आगे बढ़ा दिया, तो नवंबर का मंथ ही आप लोग के लिए पास बचता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में कंडक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आखिर ALP का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होने की संभावना है, तो नवंबर मंथ में आप लोग का एग्ज़ाम कन्फर्म होने वाला है। तो तैयारी अगर अभी भी नहीं करनी है तो तैयारी में लग जाइए, बहुत कम समय बचा है, तो जो भी जी तोड़ मेहनत करनी इस टाइम आप लोग के ज़रूरत है, जितने भी सेट लगाने हैं वो लगाइए, और नवंबर मंथ में आप लोग तैयारी का पूरा इंतजाम होने वाला है जो SSC की तरफ से, रेलवे की तरफ से आप लोग का जो फाइनल नोटिस जारी कर दिया जाएगा नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।